में ओके ओके, जितनी भी प्राइसेस अभी बढ़ रही है कंट्री में, लेकिन जब ये बीजेपी सरकार जो है वो उप उल्ट थी, इनके ऑपोजिट में बैठी हुई थी, तब सबसे ज्यादा हल्ला ये लोग करते थे कि जो गैस की कीमतें बढ़ रही है। स्मृति ईरानी, जिसने कि हमेशा ही सिलेंडर उठा के सबसे ज्यादा शोर किया, आज वो सब चुप है। बीजेपी के सारे लीडर चुप है इसके ऊपर। चाहे आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को लगा दीजिए, सीतारमन को लगा लीजिए, जितने भी बीजेपी के लीडर आज क्यों चुप है इसके ऊपर। और प्राइसेस की जो कीमतें बढ़ रही है, ये आम आदमी के ऊपर बहुत भार आ रहा है इसका, और हम इसका जो पूरा विरोध कर रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि वही स्मृति ईरानी फिर से सिलेंडर लेके सड़कों पर आए, और जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि वो हमारे इस चूड़ियों के लायक है, बस इन चूड़ियों के लायक है। और ये सरकार हमेशा ही छुपती रही है और आगे नहीं आई है, सारा का सारा जोश जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे डाल देता है। आपसे बात करें तो जो इस तरह का है, क्या कहते हैं आपको लगता है कि सरकार जो है अच्छे दिनों को वादे जो करके आई थी, अच्छे दिनों के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया है इन्होंने अच्छे दिन क्या? हम तो ये सब चाहते हैं कि सारे हमारे बुरे दिन हमें वापस मिल जाए, वही बहुत है हमारे लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी जो तस्वीर देखने को आ रही है पेट्रोल डीजल और गैस की, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इसका सिर्फ आम आदमी के ऊपर पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी हो, चाहे हमारा होम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, उनके लिए हम ये भेज रहे हैं और ये पहने और यहाँ से निकल जाए, ताकि हमारे बुरे दिन हमको वापस मिल जाए। अच्छे दिन जो है उन्होंने एक भी नहीं है। सारे का सारा असर इस टाइम पे या तो मध्यम वर्ग पे पड़ रहा है या छोटे वर्ग पे ऊपर पड़ रहा है। अगर बात की जाए स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मतलब इस मामले को लेकर अभी चुप है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रवैया नजर नहीं आ रहा, क्या लगता है? स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एक्साइज जो है ये कम कर सकती है, अगर चाहे तो भार कम कर सकती है, लेकिन हमारे जो कैप्टन साहब है ये भी चुप है इस टाइम के ऊपर। हमारे पूरे देश की इकोनॉमी इस टाइम पे तीन चीजों के ऊपर चल रही है, या तो पेट्रोल के दामों के ऊपर, या दारू के ऊपर, उनके रेवेन्यू के ऊपर, या टबैको के रूप में। हम लोगों के भारत का ये असर हो गया है कि आज हमें अपने पूरे देश का जो रेवेन्यू है ये इन तीन चीजों से मिलना पड़ता है। शर्म की बात है सरकार के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। आम आदमी पार्टी जिस तरह बैनर के नीचे आप लोग धरना दे रहे हो, आपको लगता नहीं कि आम आदमी आम लोगों का भी होना यहाँ जरूरी था, लेकिन आम लोग कहीं नजर नहीं आ रहे? आम आदमी भी कर रहे हैं सर अपना, ये हमारे आम आदमी पार्टी का हो रहा है, लेकिन आम आदमी हर रोज सड़कों पे निकल रहा है। आज देखिए 9 फेज में भी चल रहा है, 7 फेज में भी चल रहा है। पेट्रोल और डीजल और गैस की बात की जाए तो अभी तक बढ़े हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिले हो रहे हैं, देरी कर रहे हैं इस तरह का प्रोटेस्ट करने में? बिल्कुल नहीं, हम शुरू से इसका प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन आज जो इसकी जो मार है बढ़ते हुए गैस एलपीजी की भी, ये पूरे देश की घर की गृहणियों के ऊपर पड़ रहा है, व्यापार मंडल के ऊपर पड़ रहा है, सब्जियां बड़ी सारी कीमतें बढ़ रही है इसकी वजह से। इसलिए जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए, कैप्टन साहब को भी चाहिए कि बाहर निकले महलों से और बोले इसके बारे में। आज आप लोगों को गेट के पास ही रोक लिया गया है, डीसी के पास जाने नहीं दिया गया है, इसके बारे में क्या? बिल्कुल जाएंगे हम, तब तक यही बैठे रहेंगे, धरना लगाएंगे जब तक ये डीसी ऑफिस के पास जाने नहीं दिया जाता, हम उनको मेमोरेंडम देकर ही आएंगे। आपका साथ में धरना है, लेकिन क्यों रोका जा रहा है? डरते हैं, सरकार डर रही है, एक्साइज से डर रही है, वैट से डर रही है, कीमतों से डर रही है, जबकि क्रूड ऑयल जो है वो गिर रहा है, लेकिन इनकी कीमतें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनको जो रेवेन्यू है ये पेट्रोल से चाहिए। जो छोटे आदमी है उनके ऊपर ये भार पड़ रहा है, ये डर रहे हैं कि हमारी जो है ये आवाज ऊंची जा रही है, इसलिए हम रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डीसी साहब के पास जाएंगे। अगर इस तरह की मांग लगातार बढ़ती रहेगी तो बढ़ती रहेगी, इस तरह से कितनी भी बढ़ती रहे इनको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता को पता चल चुका है, ये करनी ही पड़ेगी इनको। देखो जी, ये सारा असी पार्टी ने पूरे तत् सोच समझ के इलेक्शन लड़िया सी। पहली बार आम आदमी पार्टी जिले च पूरे पंजाब च कारपोरेशन दी इलेक्शन लड़ रही सी, सो सारे समीकरण के मुताबिक असी पार्टी ने डिसाइड करिया सी कि असी आजाद ग्रुप दे नाल मिल के इलेक्शन लड़ना है। ते जिस तरह दे दावे कर रहे सी कि रिजल्ट कुछ ओदे उलट आए, देखो जी ये कांग्रेस की सरकार है, तो इन्होंने पूरा अपना जोर अजमाइश करके पुलिस का जोर ला के और प्रशासन के जोर देखो ओवरऑल कांग्रेस का किवें आ जाऊंगा। जमा धक्का करिया इन्होंने, जेडे दो दिन इन्होंने अपने दो दिन का टाइम पाया उदे च इन्होंने कपले करे हैं, एक तरफा कदे भी नहीं हो सकता। 2022 किस तरह की तस्वीर 2022 आम आदमी पार्टी अपना मैनीफेस्टो लेके आएगी, मुख्यमंत्री का चेहरा लेके आएगी, तो सारे लामबंद कर
करके जिहड़े भी रुस्से है नाराज है सब नू नाल लेके इकट्ठे होके असीं इह इलैक्शन लड़ांगे। देखो जी एक टिकट वास्ते कई कई जने हुंदे आ, कईआं नू कई कल्ले टिकट लई आए सी, कई पार्टी दी विचारधारा नाल आए सी, उह अज खड़े आ, उह तां उहनां ने बाद चों वी जाणा है, अज वी चले गए, पर असीं उहनां नू वी मनाउण दी कोशिश करांगे।